हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की कुमार और आप सब देख रहे हैं टेक्निकल विक्की यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक छोटा सा आइडियो इंटरफेस के बारे में, जिसे आप परचेज कर सकते हो। एक छोटा सा आइडियो इंटरफेस है, बजट इंटर आइडियो फेस है और चीपेस्ट आइडियो इंटरफेस है, जिनसे जिनको आप परचेज करके अपना काम चला सकते हो और आप सारी चीजें सीख सकते हो। म्यूजिक की आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हो। चलिए हम इसे देखते हैं और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है ये सारी चीजें हम जानते हैं और फिर हम इसे यूज करके भी आपको दिखाएंगे आगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो आइडियो इंटरफेस यू है, बेरेंगर का UM2, आप देख सकते हो बेरेंगर का UM2 इसका नाम है और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। सबसे बात ये इसकी खास है कि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है और ये प्लस 48 वोल्ट के साथ आता है और इसे जब आप ओपन करेंगे तो इसमें कुछ नहीं, 3 मैनुअल्स कार्ड मिलते हैं और एक यहाँ पर आइडियो इंटरफेस, 3 मैनुअल्स कार्ड मिलते हैं, उसके बाद एक बेरेंगर का स्टिकर्स मिलता है, ब्रेंगर का स्टिकर्स, और मैंने इनमें से जो निकाल रखी है वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस बॉक्स के अंदर। और हमारे पास एक ऑडियो इंटरफेस मिलता है और दूसरा हमारा एक केबल मिलता है, ये वाली हमारी केबल मिलती है। तो हम इसका कैसे यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ अभी आप लोगों को दिखलाने वाले हैं। चलिए हम इसकी सबसे पहले हम देखते हैं इसको हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही कम्फर्टेबल है ये, बहुत ही छोटा है और बहुत ही चीपेस्ट भी है और इसकी क्वालिटी भी खास बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है और बिगिनर के लिए मैं बताऊं तो ये काफ़ी अच्छा ऑडियो इंटरफेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम यहाँ से इसकी शुरुआत करें तो यहाँ पर हमारे पास एक XLR केबल है जो हम माइक से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको XLR कंडेंसर माइक लगाने के लिए एक फैंटम पावर रहना जरूरी है जो कि इस ऑडियो इंटरफेस में दिया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद इंसर्ट 2 में आप MIDI कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर मॉनिटर का है, डायरेक्ट मॉनिटर का यहाँ पर ऑप्शन है, उसके बाद एयरफोन्स है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 वॉल्यूम, जैसे कि आप गेन को हाई कर सकते हो और लो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है जो कि आप देख सकते हो 3 है। तीनों में हमें क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी माइक की है जिससे हम माइक की गेन ले सकते हैं, दूसरी हमारी MIDI की है और तीसरी हमारी मॉनिटर और एयरफोन की, दोनों साथ साथ है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पीछे से प्लस 48 वोल्ट का फैंटम पावर ऑन और ऑफ करने के लिए, आप देख सकते हो यहाँ से ऑन और ऑफ करने के लिए है। उसके बाद हमारे पास एक USB केबल है जो कि मैंने आप लोगों को दिखलाया। USB केबल कुछ इस तरीके से इसमें पुट होता है, यहाँ से मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पर पुट होता है और ये हमारी USB जो है ये डायरेक्ट हमारी PC से कनेक्ट हो जाती है, ये हमारी फोन से भी कनेक्ट हो जाती है अगर आपका फोन OTG सपोर्ट हो तो, ठीक है। तो हम इसके बाद देखते हैं क्या हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास है एक मॉनिटर की इनपुट और आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट दी हुई है, यहाँ से हम इनपुट तो पहले ये ले लेगा मॉनिटर में ही, यहाँ से हमारी डायरेक्ट आउटपुट है मॉनिटर की, या आप चाहो तो होम थिएटर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप बात करते हैं इसकी क्वालिटी कैसी आती है, तो क्वालिटी इसकी बहुत ही मस्त आती है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो ये ऑडियो इंटरफेस आपके लिए बहुत ही मस्त होगा और ये बहुत ही चीपेस्ट है और बजट ऑडियो इंटरफेस है, तो आप ये परचेज कर सकते हो। और इसकी बात करें इसकी रेंज क्या है, इसकी प्राइस रेंज क्या है, तो इसकी प्राइस हमारे पास यहाँ पर आती है, इसकी प्राइस बढ़ते रहती है और घटते रहती है। तो इसकी जो सबसे कम आएगी वो 3500 के लगभग जाएगी और अप्रोक्सीमेटली ये 4000 यानी 4000 तक जाती है, तो काफ़ी बजट ऑडियो इंटरफेस है। अगर आप सीखने के लिए चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।